रही थी कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि टीवी पे इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, और हमने पहले भी इस पे शोज़ किए हैं कि किस मीडिया एथिक्स के ऊपर भी बात की, सब कुछ किया है, आप क्योंकि डिप्रेशन की में जा गई, आप उसकी पेशेंट भी एक तरह से रहीं, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, सब कुछ हुआ, आपको ये लगता था कि जब आपको एक फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप फैमिली की तरफ से डिप्रेशन में हैं और आपको अपनी फीलिंग्स चेंज लग रही हैं, और फिर जब आप टीवी ऑन कर रही हैं तो फिर उस वक्त आपका क्या असर होता था? वो आपको और डिप्रेशन की तरफ लेके जाती थी? बिल्कुल डिप्रेशन में लेकर जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ब्लड शर्ट दिखाना, इवन दो कि हमारे जो आजकल एंकर्स हैं वो जब डिस्कशन प्रोग्राम कर रहे होते हैं उनकी जो वॉइस रिदम होती है वो भी हमें एकदम से इतनी एक्साइटेड कर देती है कि सुबह ही गवर्नमेंट नीचे गिर जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो डे हम देखते हैं तो बिल्कुल सब चीजें नॉर्मल चल रही होती हैं। ये जो हमारे सेंटीमेंट्स फीलिंग्स होती हैं, ये जो हमारे सेंटीमेंट्स की जो लेवल है इतना हाई ले जाना, और फिर सुबह हम देख रहे होते हैं तो हम खुद भी मायूस होते हैं कि हुआ तो कुछ भी नहीं है, रात को तो हम सोच रहे थे कि सुबह गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये हमारे जो वॉइस रिदम है ये भी हमें डिप्रेस करते हैं, ये भी हमें परेशान करते हैं। स्टाइल है बात करने का। जी जी जी। और जब मैं इन चीजों को फेस कर रही थी तो मैं मोस्टली म्यूजिक प्रोग्राम लगाती थी या मैं कोई ऐसी अच्छी मूवी देखती थी जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी होती थी, ऐसा नहीं देखती थी कि जिसमें मार धाड़ हो, क्योंकि मार धाड़ देखेंगे आप तो पहले से ही एक अजीबोगरीब कैफियत का मुब्तला है। डिप्रेशन में सिर्फ हम लो नहीं हो जाते, डिप्रेशन में सब टाइम हमारे अंदर बगावत भी आ जाती है कि हम तोड़फोड़ भी करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इन चीजों को अपने से दूर करें, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे प्रोग्राम देखने चाहिए, इंटरटेनिंग होने चाहिए। लेकिन वो तो वही वाली बात है ना, मैं फिर बार बार ये बात बोलूं, जिनको नॉलेज है पता था, आपको तो नॉलेज थी तो आपको पता था, जिनको नहीं पता डॉक्टर प्रसाद वो लोग क्या करेंगे? जी, इसी वजह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं चैनल पे कि हमें देखने वाले हमारे व्यूवर्स जो है हमें कॉल कर सकते हैं, चैनल इसके बाद भी कॉल कर सकते हैं, और वो नॉलेज ले सकते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हर एक को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट को नहीं हो सकता, हर एक को हो सकता है, लेकिन उससे निकल किस तरह सकते हैं? देखिए, इसका ये है कि सोल्यूशन, आप मुझे पता है सोल्यूशन लोगों को बताना चाह रही हैं जल्दी से। मैं ये चाह रही हूँ, नहीं हम इसको नेक्स्ट उस पे भी ले जाएंगे अपने शो को, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है। देखो, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लोग अपने आप को खुद कैसे जज करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि साइकियाट्री में जितनी भी बीमारियां हैं वो इतनी सब्जेक्टिव हैं, इतनी ज्यादा ना नजर आने वाली हैं कि इनको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत मिली जुली है, ऐसा लगता है बहन भाई हैं आपस में। अगर आप पांच बीमारियों को एक साथ रख लेने तो बड़ी करीबी करीबी बीमारियां लगती हैं, फर्क महसूस करना बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि कोई भी, हम जैसे डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं तो इसको लोगों को पहले इसकी डेफिनेशन को, इसके एक कॉन्सेप्ट को समझाएं जरूर कि आखिर ये होता क्या है, कैसे हो रहा होता है, कौन से फैक्टर्स हैं इस पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सोल्यूशन इसी में ही है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको समझ आ जाए कि मैं डिप्रेस्ड हूं तो सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है हमारी अपनी मैनेजमेंट है, हमारी थेरेपी है, वो तो बाद में आती है। अच्छा, इसके क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं अगर कोई इंसान अगर डिप्रेशन में चला गया? जैसे मैंने अभी इनसे भी पूछा था कि क्या फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, आपको पता होता होगा कि अगर कोई एक खातून अगर डिप्रेशन की पेशेंट बन गई है तो फिर उसके क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, किस तरह की घर में कितनी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं? अगर फर्ज करें किसी की डेथ हो गई है घर में, ठीक है, मे बी किसी की भी हो सकती है, तो उससे क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं? बहुत सारी इस तरह की बातें जिसमें इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, नंबर वन तो ये होगा कि जब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो आप नोट करें कि आपके जो रूटीन के काम है उसके अंदर सबसे पहले खराबियां आने लगती हैं, आपकी जो रूटीन है वो तबाह होने लगता है। उसके अलावा आप जहाँ पे खुश रहने वाली जगह है, जहाँ पे आप खुश रहती हैं वहाँ पे जाके भी आप खुश नहीं होती, मतलब आपको फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रहे हैं या आपको कोई लेके जा रहा है तो आपको वहाँ पे इंजॉय करने की बजाय आप अपने आपको आइसोलेटेड फील करती हैं कि मैं तो इन लोगों में फिट ही नहीं हो पा रहा। उसके अलावा जॉब पे, काम पे भी आपके जो एक परफॉर्मेंस है वो उसका लेवल नीचे आ जाता है। घर में भी जो काम आप इजीली कर रहे होते हैं पहले वो काम नहीं कर पाते, आपका रोने का दिल करता है। सबसे बड़ी जो इसमें ये कि आपको दिल चाहता है, आपको क्राई स्पेल्स आ रहे होते हैं, आप बार बार आपको बहाना चाहिए होता है रोने का, ठीक है ना, आपकी आंखों में बाबा आंसू आ रहे होते हैं, आप अपने आपको समझते हैं कि मैं सबसे बेचारा हूँ, ये चीज आ जाती है। और आपको एक अजीब सी बगावत की जो वजह, जिसका भी ज्यादा बगावत आ जाती है, उसकी ये वजह है कि उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, सही, मेरे साथ कुछ ज्यादती हो गई है, ये चीजें आ जाती हैं। और नाउमीदी जो है वो उनमें उन चीजों में भी नजर आ रही होती है जो चीजें बड़ी ईजी होती हैं। मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप ऐसा करें कि आप एक्सरसाइज करें या जिम ज्वाइन करें तो इसमें कोई चांस नहीं है कि फेलियर रेट हो, इसमें तो पासिंग रेट्स ही होते हैं। अच्छा। लेकिन उससे भी कहते हैं कि ये करने से हमें क्या फायदा होगा। और वो हर चीज के नेगेटिव
बहाने ढूंढते हैं और नेगेटिव पैराडाइम्स को वो होता था ऐसा, ऐसा होता था कि आप दिल नहीं लगाती थी अपना किसी चीज की तरफ? वल जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा रोने को दिल चाहता है, मैं मेरे खुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ज्वेलर शॉप पे खड़ी थी और मेरी एक आंटी बहुत देर के बाद मुझे वहां पे मिली, वो जब मुझे गले मिल रही थी आप बिलीव करें कि मेरे आंसू इस तरह से बह रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या कौन सा मेरे साथ नुकसान आ रहा है। यहाँ पे जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो अभी डॉक्टर साहब जो हमने सारी बात करी थी कि हालात इतने खराब हैं, तो एक खातून भी मेरे पास हैं, वो कुछ बात करना चाह रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं आप लोगों को, तो उनको भी हम शो पे लेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बख़ैर वाइफ के साथ में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।